जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़े पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके एक बेलपत्र, बन सके पांच बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मुंह, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मुंह समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। दो या तीन प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। दो या तीन करोगे, बाबा करेगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया शिव पुराण में वर्णित ऐसा एक सरल उपाय आप सबके साथ में लेके आई हूँ, जो कि अद्भुत फल देने वाला होता है। कई जन इसका लाभ ले चुके हैं, विशेष रूप से जिस भी जातक के व्यापार संबंधी परेशानियाँ आ रही हों या जीवन की किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हों, प्रदोष के दिन जो कि प्रदोष व्रत होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, हर माह में यह आता है, विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित यह दिन होता है। प्रदोष काल में आप सबको यह सरल उपाय करना है। इसमें जो उपाय में वस्तुएं ली गई हैं वह बेहद सरल और अपने आसपास ही हैं, और सरल तरीके से इन्हें भगवान शिव को अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करना है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्य अस्त होने के आसपास का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है, जो कि भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। अगर इस समय पर कोई छोटा सा ही सही उपाय किया जाए तो बेहद फल देने वाला होता है और जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। आपके लिए वीडियो यूजुअल रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा आप किस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। आपको यह अच्छा लगे तो चैनल के लिए ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा। जय माता दी, राधे।